नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में आज पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट दिया है। इसी के साथ भाजपा की जीत की कमान की गई है। अब तस्वीरों में आपको साफ दिखा रहे हैं कि 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान में बीजेपी विधायक मथुरा से वोट दिए हैं, तो वहीं श्रीकांत शर्मा, भोला सिंह, राजकुमार सिंह और स्वर कल्याण सिंह की पत्नी ने अलीगढ़ से वोट दिया है रमावती सिंह ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसपी सिंह बघेल ने भी, केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने आगरा में वोट दिया है। गाजियाबाद से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अतुल गर्ग जो विधायक है उन्होंने वोट दिया है। बीजेपी विधायक ने मथुरा से वोट दिया है, तो वही भाजपा सांसद भोला सिंह ने बुलंदशहर से वोट दिया है। राजकुमार चौहर जो भाजपा सांसद है उन्होंने आगरा में वोट दिया है। वही स्वर्गीय कल्याण सिंह की पत्नी रमावती सिंह ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है, उन्होंने अलीगढ़ में अपना वोट दिया है। तस्वीरों में जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, एसपी सिंह बघेल ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है आगरा में। गाजियाबाद से आप तस्वीरें देख सकते हैं, अतुल गर्ग जो कि विधायक है उन्होंने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है। भाजपा सांसद ने आगरा से अपने मतदान का प्रयोग किया है। श्रीकांत शर्मा जो बीजेपी विधायक है उन्होंने भी अपना वोट दिया है। मथुरा से आप तस्वीरें देख सकते हैं, भोला सिंह ने भी अपना वोट दिया है। आपको बता दें कि जैसा आप तस्वीरों में भी साफ देख रहे हैं, भाजपा सांसद बुलंदशहर से है ये। राजकुमार चौहर ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है। वहीं स्वर्गीय कल्याण सिंह की पत्नी ने अलीगढ़ में अपना वोट दिया है। रमावती सिंह ने अपने मतदान का प्रयोग किया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी अपना वोट दिया है। आगरा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गाजियाबाद से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अतुल गर्ग जो विधायक है वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपना मत दिया। आगे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको भाजपा सांसद की जिन्होंने बुलंदशहर में अपना वोट दिया। भोला सिंह ये मतदान केंद्र पहुंचे, इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्रीकांत शर्मा भी मतदान केंद्र पहुंचे हुए थे, बीजेपी विधायक है श्रीकांत शर्मा, उन्होंने मथुरा में अपना वोट दिया। भाजपा सांसद ने आगरा से अपना वोट दिया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही होंगी, अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग बूथों से आपको दिखाई पड़ रही होंगी तस्वीरें, जहां से लगातार सभी मंत्री, विधायक, भाजपा सब लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं स्वर्गीय कल्याण सिंह की पत्नी रमावती सिंह ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। वो अलीगढ़ के मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने वोट दिया है। अगली तस्वीर एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने आगरा से अब अपना वोट दिया है। वहीं अतुल गर्ग ने भी अपना वोट दिया है, गाजियाबाद के पोलिंग बूथ पे वो पहुंचे हुए थे। वहीं भाजपा सांसद ने भी अपना मत का प्रयोग किया है, उन्होंने वोट दिया है। आगरा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं बुलंदशहर से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से भोला सिंह ने अपना वोट दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। श्रीकांत शर्मा भी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है, बीजेपी विधायक है श्रीकांत शर्मा। मथुरा से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहीं अलीगढ़ से हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां स्वर्गीय कल्याण सिंह की पत्नी रमावती सिंह ने भी अपना मत का प्रयोग किया है। वो मतदान केंद्र पर पहुंची, उन्होंने अपना वोट दिया है। वहीं सीधी तस्वीरें हम आपको आगरा से भी दिखा रहे हैं जहाँ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी अपने मत का प्रयोग किया है, मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने वोट दिया है। वहीं सीधी तस्वीरें हम आपको बुलंदशहर से भी दिखा रहे हैं जहां पर भाजपा सांसद पोलिंग पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया। वहीं सीधी तस्वीरें हम आपको आगरा से भी दिखा रहे हैं जहां राजकुमार चौहर जो कि भाजपा सांसद हैं वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं गाजियाबाद से भी हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतुल गर्ग जो विधायक है उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया, वो मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने अपना मत दिया। इन सबके बीच सीधी तस्वीरें हम आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं जहां स्वर्गीय कल्याण सिंह की पत्नी रमावती सिंह भी पोलिंग बूथ पे पहुंची हुई थी, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहले चरण के चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों के साथ साथ जो हमारे विधायक है, सांसद है और भी पार्टी के उच्च जो सदस्य है वो पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं सीधी तस्वीर हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं जहां बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। दूसरी तस्वीर हम आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं जहां भाजपा सांसद
मतदान केंद्र पहुंचे भोला सिंह, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। तीसरी तस्वीर हम आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा सांसद राजकुमार चौहान मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। चौथी तस्वीर हम अलीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वर्गीय कल्याण सिंह की पत्नी रमावती सिंह भी मतदान केंद्र पहुंची और अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया। वही सीधी तस्वीरें हम आपको आगरा से भी दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। वही सीधी तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद से भी दिखा रहे हैं, जहां पर अतुल गर्ग जो कि विधायक हैं वो मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस पर्व को लेकर जितनी उत्साह आम जनता में है, उतनी ही मंत्रियों, विधायकों और अन्य पॉलिटिकल सदस्यों में है। सभी मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियों के नेता मंत्री पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहली चरण के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य भी अलग अलग पहुंचे हुए हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, वो मतदान कर रहे हैं, अपने मतों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। वहीं 11 जिलों की 58 सीटों पर ये मतदान होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीतीश। स्वर्गीय कल्याण सिंह की पत्नी रमावती सिंह भी जिस तरह पहुंची हुई है, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, तो वहां की जनता में कितना उत्साह दिख रहा है? मैं आपको बता दूं, जनता में उत्साह बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जो नई जनरेशन के लोग, जिनका पहली बार वोट आया है, अगर उसको देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा उत्साह है उसमें। और अगर युवाओं की बात करी जाए तो युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका एक नया वो है कि एक नई सरकार, मतलब एक सरकार ऐसी चाहते हैं जिससे वो विकास हो, जिस तरीके का मतलब माहौल बने, एक अच्छा माहौल बने। नितेश, अलीगढ़ की जनता के वोट का मुद्दा क्या? अलीगढ़ की जनता किस मुद्दे पे वोट दे रही है, विकास के मुद्दे पे या किसी अन्य मुद्दे पे? अगर अलीगढ़ की जनता की बात करी जाए तो अलीगढ़ की जनता द्वारा विकास के मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। आगामी जो इस समय प्रेजेंट में सरकार है, उसने भी विकास किया और आगामी सरकार से भी विकास चाहते हैं। और शिक्षा की बात करी जाए तो युवा चाहते हैं शिक्षा पे और काम हो, शिक्षा व्यवस्था और बढ़िया हो और लोगों को रोजगार मिले और शिक्षा में नौकरी भी मिले, इस तरीके से वोट दिया जा रहा है। नीतीश, अलीगढ़ के मतदान केंद्रों पे किस तरह की सुरक्षा है? अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि प्रशासक द्वारा बहुत ज्यादा सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाई गई है, हर तरीके से सुरक्षा कराई जा रही है। और अब दूसरी बात करें अगर कोरोना को देखते हुए, तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा सुरक्षा दी जा रही है, क्योंकि लोगों को हाथ के ग्लव्स दिए जा रहे हैं और मास्क दिए, सैनिटाइजर कराया जा रहा है, जिससे कोविड से किसी भी बच सके। जी धन्यवाद नीतीश, नजर बनाए रखे सारे मतदान केंद्रों पे। तो हमारे संवाददाता नीतीश अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि अलीगढ़ के मतदान केंद्रों पे किस तरह से मतदान जारी है, शांतिपूर्वक ढंग से मतदान जारी है, वहां की जनता विकास के मुद्दों पर वोट दे रही है, मौजूदा सरकार की विकास के मुद्दे और अन्य पार्टियां जो अपने अपने घोषणा पत्रों में दावे किए हैं, वादे किए हैं, उसको लेकर वहां की जनता लगातार वोट दे रही है। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।